हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल शर्मा सर पर। तो आज हम क्लास ट्वेल्थ बोर्ड लेवल के लिए जो यूनिट टू है करंट इलेक्ट्रिसिटी, उसके 6 लेक्चर पहले अपलोड कर चुके हैं। आज का जो 7th लेक्चर रहेगा, इसके अंदर हम सेल के बारे में बात करेंगे और जो सेकेंड यूनिट का जो फर्स्ट चैप्टर है वो कम्प्लीट हो जाएगा। फर्स्ट यूनिट के अंदर 4 चैप्टर थे बेटा जिनके बारे में हमने बात की, वो वीडियो हम कम्प्लीट कर चुके हैं। प्ले लिस्ट में जाकर आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्लास ट्वेल्थ के नाम से चेक करेंगे तो वहाँ लेक्चर अपलोड किए हुए। ये जो सेकंड यूनिट है इसके हम पहले 6 लेक्चर अपलोड कर चुके हैं। 7th लेक्चर में इसका जो सेकंड का ए पार्ट है वो फिनिश हो जाएगा और उसके बाद जो सेकंड का बी पार्ट है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है, पोटेंशियोमीटर जो बड़ा क्वेश्चन बनता है वहीं से बनता है। और सेकंड का जो सी पार्ट है हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, वो सिलेबस से निकाला जा चुका है, वो आपको नहीं करना, ठीक है। तो इसके अंदर भी क्या होता है, फुल मार्क्स आप गेट कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं होती। उसके लिए आपको एक डायरेक्शन का होना ज़रूरी है कि हाँ सर कौन सा करना है, कहाँ से 5 नंबर का आया, कहाँ से 2 नंबर का आया, कहाँ से न्यूमेरिकल आएगा। कुछ एक सिलेक्टेड से पोर्शन होते हैं कि जहाँ से मतलब क्वेश्चन आते ही आता है। एक बार के लिए जो आपका कोर्स चल रहा है, नॉलेज ले रहे हो, बहुत अच्छी बात है। उन सभी नॉलेज को आप गेट करते रहें, अपने जो नोट्स हैं वो बनाते रहें, ठीक है। मान लिया आपको फुल स्कोर करना है यहाँ से ए से बी, एक तो रास्ता बेटा डायरेक्ट यहाँ से जाओ, एक है यहाँ से जाओ, ठीक है। तो ए से बी कम टाइम में आप क्या करो, अब तो नॉलेज लेने का टाइम है। अब एक महीने की जो तैयारी होती है ना वो भी सफिशियंट होती है किसी बच्चे के लिए फुल मार्क्स लेने के लिए, ठीक है। वो मैं आपको बाद में बताऊँ किस टाइप से आप फुल मार्क्स गेट कर सकते हो। न्यूमेरिकल का थोड़ा बहुत जो पोर्शन होता है वो चेंज रहता है, मीन्स 9 to 12 मार्क्स का। अदरवाइज बच्चा 70 में से 50 अबव तो ईजिली स्कोर कर सकते हैं सिर्फ एक महीने की तैयारी के अंदर, ओके। तो देखिए बस आज का लेक्चर रहेगा वो हम कॉम्बिनेशन ऑफ सेल के बारे में बात करेंगे। तो आइए बस स्टार्ट करते कॉम्बिनेशन ऑफ टू सेल्स। पहले हम टू सेल के बारे में बात करेंगे, फिर उसके बाद एन आइडेंटिकल सेल के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो इस केस में दो केस आएंगे, तो आएगा सीरीज कॉम्बिनेशन, एक आएगा पैरेलल कॉम्बिनेशन। ये क्लास ट्वेल्थ का बोर्ड लेवल का हम कर रहे हैं, जेई नीट लेवल के मैं अलग से कोर्स अपलोड कर रहा हूँ, लेक्चर अपलोड कर रहा हूँ, उनको जरूर देखें। अगर आप लोग कई बार बुक में अवेलेबल नहीं रहता है नोट शीट जहाँ से आपको मिल रही है, तो धीरे धीरे हम करते हैं कि क्वेश्चन भी आपको प्रोवाइड की जाए असाइनमेंट से। तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। तो सीरीज कॉम्बिनेशन कर रहे हैं हम सेल का, टू सेल्स आर सेड टू बी कनेक्टेड इन सीरीज कॉम्बिनेशन, इन सीरीज कॉम्बिनेशन इफ नेगेटिव टर्मिनल ऑफ वन सेल, नेगेटिव टर्मिनल ऑफ वन सेल इज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ अदर सेल, टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ अदर सेल, ठीक है। तो समझिए आप इसको किस टाइप से होगा, इसके बारे में बात कर रहे हैं, पैरेलल के बारे में बाद में बात करेंगे। तो ये आपके पास सेल है, सेल नंबर 1, सेल नंबर 2, सेल टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस लास्ट वीडियो में हम कर चुके। इसकी ईएमएफ E1 है, R1 इस टाइप से लिखा हुआ, E2 R2। इसका मीनिंग क्या होता है, R1 R2 होते बेटा इसके इंटरनल रेजिस्टेंस जो यहाँ पे आपको दिखाई नहीं दे रहे। सपोज ये I कोई करंट इसमें से फ्लो कर रहा है, करंट के डायरेक्शन में बना रहा हूँ यहाँ से यहाँ। सपोज दिस पॉइंट पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, ठीक है। अब देखिए बस वी ए माइनस वी बी क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस। तो यहाँ जो करंट है आई, सपोज वो करंट है, तो यहाँ से हम लिखेंगे वी ए माइनस वी बी इन दोनों के बिटवीन, तो ई वन माइनस आई वन, या आई करंट है तो आई इंटू आर वन, ठीक है। ये फॉर्मूला हम पढ़ चुके, रिलेशन बिटवीन टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस एंड ई एम एफ, ठीक है। तो यही फॉर्मूला इसके अंदर यूज किया गया। अब करेंगे बिटवीन बी एंड सी, अगर बात करें वी बी माइनस वी सी, तो ई एम एफ यहाँ पर ई टू है, ई टू माइनस में आई इंटू आर टू,
ठीक है, आपकी स्पेशल डिमांड पे को स्टार्ट कर रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ आप इसको शेयर जरूर करें सभी स्टूडेंट्स, ताकि इससे बेनिफिट उठा सकें। तो यहाँ से देखिए सिलेबस, अगर मैं इसको वी ए माइनस वी सी लिखता हूँ तो यहाँ पर देखिए इसमें क्या करें, वी भी मैंने माइनस कर दिया, जो माइनस करेंगे वही ऐड कर दिए, ठीक है। अब ये जो वैल्यू है इतनी सी आपको दिखाई दे रही, यहाँ पुट कर दें, ये वैल्यू भी यहाँ पुट कर दें। अब देखिए सब इसको मैं इकट्ठा करके लिख रहा हूँ, रीअरेंज कर रहा हूँ, ई वन प्लस ई टू माइनस आई आर वन प्लस आर टू, ये आ वी ए माइनस वी सी, पोटेंशियल का डिफरेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड सी। अब क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, वी ए माइनस वी सी इज इक्वल टू इक्विवेलेंट माइनस आई इंटू आर इक्विवेलेंट। इसका अगर मैं एक डायग्राम यहाँ से बनाऊँ ईएमएफ का, तो इसको मैं बोलूँगा इक्विवेलेंट, यहाँ से जो इंटरनल रेजिस्टेंस होगा उसका आर इक्विवेलेंट, करंट वही आई इसमें मूव कर रहा है, ओके नो प्रॉब्लम। तो यहाँ तक हमने इसको कर लिया, तो आर इक्विवेलेंट ये था। अगर नंबर ऑफ सेल्स हैं यहाँ पर तो इक्विवेलेंट क्या आएगा, ई वन प्लस ई टू प्लस ई थ्री अप टू ई एन। आर इक्विवेलेंट क्या आएगा, आर वन प्लस आर टू अप टू आर। तो ये दो रिजल्ट थे बेटा इसके सीरीज कॉम्बिनेशन के, ये इसके लिए इम्पोर्टेंट रिजल्ट था जो हमने अभी निकाला, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। अब हम करते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है। सीरीज में क्या था, करंट के जाने के लिए एक ही रास्ता था, ओके। अब देखिए पैरेलल कॉम्बिनेशन, ये जो इसका बी पार्ट जो स्टार्ट होगा सेकंड यूनिट का, इतना इजी है बेटा, बहुत ज्यादा। लेकिन अगर आप बुक से कर रहे हो, किसी और मेथड से कर रहे हो ना, वो थोड़ा कंफ्यूज कर सकता है। पहले बता देता हूँ, मैं जो मेथड करवाऊंगा, जो मैं कन्वेंशन यूज करूंगा, वो कोई आपका ना तो नंबर रिड्यूस होगा, सभी जितने भी न्यूमेरिकल होंगे इजिली आप उनको कर पाएंगे, ठीक है। अब देखिए बस पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन कर रहे हैं सेल का, तो वही सेम काम यहां पर सेल है, ये पॉजिटिव टर्मिनल इज कनेक्टेड विद पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल इज कनेक्टेड विद नेगेटिव टर्मिनल। सपोज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी, हेयर दिस इज ई वन कॉमा आर वन, ई टू कॉमा आर टू, आर वन एंड आर टू बी द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल हेयर। यहाँ से अगर वी ए से वी भी बात करें, पी से पैरेलल, पी से पोटेंशियल, आपको याद होगा ही पोटेंशियल सेम रहता है पैरेलल के केस में। तो अब ए टू बी इसकी बात करें, यहाँ से जब जा रहे थे, ठीक है, तब क्या होगा, देखिए सेबस वी जो है वी इज इक्वल टू ई वन माइनस आई वन इंटू आर वन। यहाँ पर जो करंट है वो हमने यहाँ पर सपोज मान लिया, इसके अंदर से जो करंट है वो आई वन है, यहाँ से जो करंट है वो आई टू है, सिमिलर वे आई वन। अब देखिए सेबस अगर हम बात करें, है तो अभी ए टू बी, लेकिन हम इसकी बात कर रहे हैं, तो V जो आएगा क्या आएगा, यहाँ से जो V बनेगा V इज इक्वल टू ई टू माइनस आई टू इंटू आर टू। अब जो टोटल करंट अगर यहाँ से देखें, I जो करंट है वो इन दोनों का सम है, I इज इक्वल टू आई वन प्लस आई टू। यहाँ से आई वन की वैल्यू निकाल लो क्या आएगी, यहाँ से आई टू की वैल्यू निकाल लो, ठीक है, यहाँ पुट कर दो, यहाँ से आई वन क्या आएगा, आई वन इज इक्वल टू E1 माइनस V डिवाइडेड बाय R1। यहाँ से I2 क्या आएगा, E2 माइनस V डिवाइडेड बाय R2। दोनों को यहाँ पुट कर दिया, ठीक है, E1 माइनस V डिवाइडेड बाय R1 प्लस E2 माइनस V डिवाइडेड बाय R2। अब यहाँ से जो इसको अलग अलग लिख लेते हैं, E1 बाय R1 प्लस E2 बाय R2, इसको तो अलग से लिख लिया, माइनस जो V दिख रहा है इसको अलग से 1 बाई आर वन प्लस वन बाई आर टू, ठीक है, ये आ गई I की वैल्यू। I की वैल्यू यहाँ से जब आ गई तो E1 वन बाई आर वन प्लस ई टू बाई आर टू, यहाँ से इसके मल्टीप्लाई करें, मैं यहाँ कर रहा हूँ, यहाँ से जब V की वैल्यू निकालेंगे तो पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं एक बार, I इज इक्वल टू ई वन आर टू प्लस ई वन ई टू आर वन, एलसीएम आ गया आर वन आर टू, ठीक है।
ठीक है, माइनस वी, इसका भी अगर हम लिखना चाहें तो आर वन आर टू, आर वन प्लस आर टू। वी की वैल्यू यहां से क्या आएगी वो देखनी है, ठीक है। वी को इस साइड ले आए तो इसको यहां से लिखेंगे ई वन आर वन, ई वन आर टू प्लस ई टू आर वन डिवाइडेड बाय में आर वन आर टू, ठीक है। ये तो एज इट इज है, अब इससे इसको क्या करना, डिवाइड करना है, माइनस आई। डिवाइड किससे करना है, इस पूरी वैल्यू से। पूरी वैल्यू क्या, आर वन प्लस आर टू डिवाइडेड बाय में आर वन आर टू, ये ऊपर चला जाएगा आर वन प्लस आर टू, इससे कैंसिल। तो ये जो रिजल्ट आ गया ई वन आर टू प्लस ई टू आर वन डिवाइडेड बाय में आर वन प्लस आर टू माइनस आई इंटू, ये तो जो है आर इक्विवेलेंट हो गया, ठीक है। अब ये इक्विवेलेंट हो गया, ये जो आप देख रहे हो इक्विवेलेंट हुआ क्या, ठीक है। वी इज इक्वल टू ये फॉर्मूला ई माइनस आई आर हो गया। अब ये इक्विवेलेंट कैसे हुआ, तो इसको ऊपर नीचे डिवाइड कर दिया आर वन आर टू से। किसे डिवाइड करना, आर वन आर टू से, आर टू आर वन, आर वन आर टू, ऊपर नीचे सेम। अब यहां से जो रिजल्ट आएगा क्या आएगा, देखिए शाबाश, आर टू से आर टू कैंसिल, ई वन बाई आर वन प्लस ई टू बाई आर टू डिवाइडेड बाई में ये क्या बनेगा, वन बाई आर वन प्लस वन बाई आर टू, ठीक है। ये एक टाइप से क्या हो गया, आर इक्विवेलेंट ही बन चुका है, ठीक है। तो ये होगा इक्विवेलेंट का फॉर्मूला, ई वन बाई आर वन प्लस ई टू बाई आर टू डिवाइडेड बाई दिस। तो अगर लंबा अगर चल रहा है तो ई थ्री बाई आर थ्री आप इसी प्रकार ऐड करते रहेंगे, इसी सीक्वेंस में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये तो था कॉम्बिनेशन ऑफ टू सेल के लिए। अब देखिए सर, बस कॉम्बिनेशन ऑफ एन आइडेंटिकल सेल हम कर रहे हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ एन आइडेंटिकल सेल। पहले हम करेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन, फिर करेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन, उसके बाद मिक्स्ड ग्रुप, मिक्स्ड ग्रुपिंग ऑफ सेल। तो देखिए अब सबसे पहले मैं लिख भी देता हूं जिसके बारे में हम बात करेंगे, सीरीज ग्रुपिंग ऑफ एन आइडेंटिकल सेल। बस ये लास्ट टॉपिक है इसका, ये चैप्टर जो है सेकंड का ए कंप्लीट हो जाएगा, सीरीज ग्रुपिंग, पैरेलल ग्रुपिंग, और लास्ट में मिक्स्ड ग्रुपिंग, मिक्स्ड ग्रुपिंग। तो देखिए शाबाश, सीरीज ग्रुपिंग ऑफ एन आइडेंटिकल सेल, सीरीज ग्रुपिंग ऑफ एन आइडेंटिकल सेल्स, अभी इसी का यूज करेंगे जो अभी हमने किया है एन आइडेंटिकल सेल्स के केस में। देखिए शाबाश, ये एन आइडेंटिकल सेल है, ई वन आर वन इंटरनल रेजिस्टेंस आर वन है, ई टू आर टू, ई थ्री आर थ्री, ई फोर आर फोर, अप टू ई एन आर एन। वही सेम काम आई करंट फ्लो कर रहा है, सीरीज ग्रुपिंग सेम करंट सभी सेल्स में से फ्लो कर रहा है। अब देखिए शाबाश, सीरीज ग्रुपिंग, ये अटैच है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस सी आर से। सीरीज ग्रुपिंग में जो ईएमएफ था, इक्विवेलेंट ईएमएफ, वो क्या आएगा, दो केस में ई वन प्लस ई टू था, तो यहाँ ई वन प्लस ई टू प्लस ई थ्री अप टू ई एन। हमने क्या माना है, आइडेंटिकल, आइडेंटिकल मीन्स सभी जो सेल है उनका ईएमएफ क्या, इक्वल। ईएमएफ को ऐसे ही लिखा जाएगा जैसे मैं लिख रहा हूँ, ऐसे नहीं लिखोगे ये गलत हो जाएगा, ये रिप्रेजेंटेशन इसकी नहीं होती। तो ई प्लस ई कितना हो जाएगा, एन ई, ठीक है। ई इक्विवेलेंट यहाँ से आ गया, आर इक्विवेलेंट क्या आएगा, रेजिस्टेंस आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री अप टू आर एन। तो उसको यहाँ से कैसे लिखेंगे, सेम है एन इंटू आर। तो जो करंट होगा आई इज इक्वल टू क्या होगा, नेट ईएमएफ बाय में नेट रेजिस्टेंस इंटरनल प्लस एक्सटर्नल। ये रिजल्ट था इंपॉर्टेंट। यहां से आप केस लिखेंगे, केस नंबर वन, एनआर इज ग्रेटर ग्रेटर देन कैपिटल आर, तो कैपिटल आर को यहां से इग्नोर कर दो,
आई इज इक्वल टू क्या आएगा, एन ई बाई में एन आर, आई इज इक्वल टू ई बाई आर स्मॉल आर, ठीक है। केस नंबर टू, एन आर इज लेस देन आर, उस केस में क्या आएगा, एन आर को हटा दो यहाँ से, ये केस आ जाएगा, ठीक है। ये तो था सीरीज ग्रुपिंग, अब करते हैं पैरेलल ग्रुपिंग। देखिए सहबस, पैरेलल ग्रुपिंग का केस करते हैं, कहाँ गया पूरा हट गया, देखिए सहबस पैरेलल ग्रुपिंग, पैरेलल जो ग्रुपिंग है वन टू थ्री अप टू ऐसे एम कॉम्बिनेशन हमने मान लिए, एम ओके नोट एन, एम कॉम्बिनेशन ऐसे हमने मान लिए अप टू एम टर्म्स, ए वन आर वन, ए टू आर टू, ए थ्री आर थ्री और ए फोर आर फोर, नेट करंट जो आई इसमें से फ्लो कर रहा है। अब देखिए शहबाज, यहां से इस केस में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा वो क्या होगा, इक्विवेलेंट ईएमएफ है जो क्या होगी, तो इक्विवेलेंट ईएमएफ यही चीजें आपको निकालनी है, ठीक है। इक्विवेलेंट ईएमएफ क्या होगी इस केस में, पैरेलल के केस में आपको ध्यान रखना है वही सेम रहेगी, कोई एन कुछ नहीं लिखना, पैरेलल एंड पोटेंशियल सेम होता है, ईएमएफ जो होगी ई लिखनी है आपको, ठीक है। किसी भी केस में से जाओ आप, नंबर वन स्टेप को नोट करना है। आर इक्विवेलेंट क्या होगा, पैरेलल है तो वन बाई आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू वन बाई आर वन, वन बाई आर टू, अब इसको लिखूं तो टू बाई आर लिखूंगा, ऐसी कितनी टर्म है, एम टर्म, तो मैंने इसको क्या लिख दिया, एम बाय में आर लिख दिया, ठीक है। आर इक्विवेलेंट की वैल्यू यहां से क्या आ गई, आर बाय एम, एक्सटर्नल जो रेजिस्टेंस था वो यहां है ही कैपिटल आर। अब देखिए बस आई क्या आएगा, आई इज इक्वल टू नेट ईएमएफ बाय में नेट रेजिस्टेंस, नेट रेजिस्टेंस क्या, आर बाय एम प्लस कैपिटल आर, ये क्या हुआ, एम इंटू ई डिवाइड बाय में आर प्लस में एम इंटू आर, ठीक है। स्पेशल केस वही, एक बार इसको ग्रेटर मानो, एक बार इसको लेस मानो, तो पूरा केस यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा। अब देखिए से आप मिक्स्ड ग्रुपिंग में कैसे होगा, कॉन्सेप्ट है बेटा सारे एज इट इज, आपको जो यूज करने हैं, ठीक है, उन्हीं के बेस पे पूरी फिजिक्स डिपेंड करती है। अब ये मिक्स्ड ग्रुपिंग कर रहे हैं, पहले तो हमने यहाँ देखो सीरीज बना दिया, ठीक है, अप टू एन टर्म्स, ये ऐसे अटैच कर दी, ऐसे ये अटैच कर दिया और लास्ट में क्या कर दिया, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल आर से इसको अटैच कर दिया। ई वन आर वन वही सेम काम, ई टू आर टू, ई थ्री आर थ्री, ये एन है और ये जो है एम टर्म्स है। तो देखिए सर, पहले तो हम बात करते हैं नेट ईएमएफ क्या होगी, इक्विवेलेंट ईएमएफ, इक्विवेलेंट ईएमएफ किसी भी एक सर्किट के लॉन्ग आएगी, वो बताया था मैंने एक लाइन के लॉन्ग, वो क्या आएगी, ई वन प्लस ई टू सभी आइडेंटिकल है, ई प्लस ई कहाँ तक, अप टू एन टर्म्स, तो इसको एन इंटू ई, सर अभी तक तो ई लिखा था मैंने, क्योंकि बेटा ये एन ई हो चुका है, ठीक है, ये नहीं लिया है यहाँ पे, सिर्फ एक ही किसी लाइन के लॉन्ग आइडेंटिकल है सभी। आर इक्विवेलेंट क्या होगा इस केस में, आर इक्विवेलेंट क्या है, आर प्लस आर अप टू एन, एन आर, एन आर कितनी बार जोड़ना है, एम टाइम्स, वन बाई एन आर प्लस वन बाई एन आर कितने टाइम्स, अप टू एम टर्म्स, कितना आएगा, एम बाई में एन इंटू आर, तो ये आ गया आर इक्विवेलेंट। आई इज इक्वल टू नेट ई एम एफ एन ई डिवाइड बाई में आर, आर कितना है, एन आर बाई में एम प्लस आर, ठीक है, तो ये कितना हुआ, यहाँ से जो I की वैल्यू क्या होगी, एम एन ई डिवाइड बाई एन आर प्लस में एम आर। I मैक्सिमम कब होगा, जब ये दोनों इक्वल हो जाए, एन आर बिकम्स इक्वल टू एम आर, ठीक है। मैक्सिमा मिनिमा केस आप निकाल भी सकते हो, मैथमेटिकल टूल से मैंने बताया है,
किसी भी टर्म का, किसी भी इक्वेशन का मैक्सिमम मिनिमम निकालना, उस टर्म का डिफरेंशिएशन कर दो, उसके बाद इक्वल टू जीरो पुट करके डबल डेरिवेटिव में वो वैल्यू पुट करोगे, अगर वो रिजल्ट पॉजिटिव आता तो मिनिमम, अगर रिजल्ट नेगेटिव आता तो मैक्सिमम। ठीक है, तो इन दिस वे ओवर दिस चैप्टर ओवर, यूनिट जो टू है उसका फर्स्ट पार्ट हम कंप्लीट कर चुके हैं, जो सेकंड है वो एक दो दिन में स्टार्ट करेंगे, वो वीडियो भी अपलोड कर दी जाएगी। तब तक वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करना, सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट द नोटिफिकेशन फॉर अपकमिंग वीडियोज। थैंक यू।